so many pieces all back together now. What's your vision? चैनल फैशन ऑर्नेट एंड मैं हूं गीतांजलि। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। और ये लुक भी स्पेशली है न्यू ईयर्स ईव के लिए, तो आज मैंने स्पेशली ये लुक क्रिएट करा है न्यू ईयर्स ईव के लिए, ताकि आप लोग भी जा सकें एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा लुक कैरी कर पार्टीज में। सो अगर आपको मेरा ये लुक पसंद आ रहा हो तो आपको करना है क्या, सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जो कि है बिल्कुल फ्री, उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। और साथ ही अगर मैं पसंद आती हूँ आपको, तो आपको करना है इस वीडियो को लाइक, और आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप कर सकते हैं अपने सभी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर, और कमेंट करके तो आप मेरे को बता ही सकते हैं कि आपको ये लुक कैसा लग रहा है। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं मेबेलिन फिट मी कंसीलर लगाऊंगी अपनी पूरी आईलिड पे एज आई प्राइमर। और ये ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं मेबेलिन के कॉम्पैक्ट से अपने कंसीलर को सेट कर लूंगी। उसके बाद मैं मास्क के आई शेडो पैलेट में से ये वाला ब्राउन कलर एज अ ट्रांजिशन कलर अप्लाई करूंगी अपने आईलिड पर। फिर उसके बाद मैं ये ब्लैक कलर लेकर अपनी क्रीज पे अप्लाई करूंगी। और इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई करूंगी सी को। उसके बाद सेम ब्राउन कलर लेके जो मैंने ट्रांजिशन कलर लिया था उसे ब्लैक कलर का अच्छे से मिक्स कर लूंगी, ताकि कोई हार्श एजेस ना रह जाएं। फिर मैं ये नेवी ब्लू कलर लेके अपने आउटर व्यू पर प्लेस करूंगी हल्का हल्का, और क्रीज के साथ इसको मिक्स कर लूंगी। उसके बाद मैं ये स्काई ब्लू कलर लेकर अपनी आईलिड पर पैक करूंगी। फ्रेंड, उसके बाद अब मैं ये अब जहां पे मैंने अपनी आईलिड पर स्काई ब्लू कलर पैक किया था उसके ऊपर मैं ये लूज शिमर लगाऊंगी। उसके बाद मैं ब्लू हेवन के आईलाइनर से एक विंग लाइनर ड्रॉ करूंगी। फॉल आउट हुआ उसको मैं एक ब्रश की हेल्प से रिमूव कर रही हूं, एंड देन एक वेट वाइप की हेल्प से इसको क्लीन कर रही हूं। अब मैं अपने फेस पर प्राइमर और एज अ मॉइस्चराइजर एलोवेरा जेल लगाऊंगी। अब मैं अपने आईब्रोज को हल्का हल्का फिल कर रही हूं। अब फाउंडेशन के लिए मैं अप्लाई करूंगी लैक्मे का परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन, और मेरा शेड है इसमें नेचुरल मार्बल। मैं उसको अपने पूरे इस पर डॉट डॉट करके लगा लूंगी। और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको स्प्रेड कर लूंगी। कंसीलर के लिए मैं यूज करूंगी ओलिविया का पैन स्टिक कंसीलर अपनी अंडर आईज को हाईलाइट करने के लिए, थोड़ा सा फॉरहेड पे, क्यूपिड बोस पे, चिन पे। इसको भी अच्छे से उसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से स्प्रेड कर लूंगी। अब अपने मेबेलिन के कॉम्पैक्ट से अपने पूरे फेस को सेट करूंगी।
मैं अपनी एलेगेंट की आई ड्रामा कलर से अपने आईज को टाइट लाइन करूंगी। और इसी से मैं काफी थिक काजल लगा लूंगी पर अपनी वाटर लाइन को अवॉइड करते हुए। मस्कारा के लिए मैं यूज करी अपने एसेंस का मैक्सिमम वॉल्यूम मस्कारा। इसी से मैं अपने अपर एंड बॉटम दोनों लैशेस को हल्का हल्का कर्ल करूंगी। सो फ्रेंड्स, मैंने फॉल्सेस लगा ली हैं ऑफ कैमरा। अब मैं ये लूज शिमर गोल्डन कलर की लेकर अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करूंगी और थोड़ा अपनी ब्रा बन पे भी लगाऊंगी इसी को। फ्रेंड, ब्लश के लिए मैं अपने यूज कर रही हूँ मार्स का बेक ब्लश प्लस हाईलाइटर, और ये काफी अच्छा ब्लश है तो मैं इसको यूज करूंगी क्योंकि ये ब्लश और हाईलाइटर दोनों का वर्क करता है। इसको मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से लगाऊंगी ताकि ज्यादा कलर आए चीक्स पर। एंड देन एक ब्रश की हेल्प से इसको हल्का डस्ट ऑफ कर लूंगी ताकि थोड़ा नेचुरल इफेक्ट आए। थोड़ा मैं अपने नोज को कॉन्टोर करूंगी बहुत हल्का सा, और हल्का सा अपनी चीक्स को करूंगी बहुत हल्का सा। किस ब्यूटी की न्यूड लिपस्टिक, तो फ्रेंड्स ये है मेरा फाइनल लुक न्यू ईयर्स ईव के लिए। इसमें है बोल्ड आईज इसलिए मैंने लिप्स को रखा है न्यूड। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये लुक पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो एक अच्छा सा लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को, और आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि ये लुक मेरे पर कैसा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर।